हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग अभी क्या है, डेमुल वाटरफॉल जा रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये रास्ता है राजगांवपुर में, डेमुल वाटरफॉल है। और ये रास्ता जो है पूरा, देखिए ये रास्ता जो है पूरा गया हुआ है वाटरफॉल की तरफ से, और ये दोनों तरफ जंगल के बीच में है। तो दोस्तों चलिए मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको, और आगे का रास्ता व्यू जो है, और वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग चाहते हैं डेमुल वाटरफॉल। ये गुलगुला आप देख लीजिए, अगर आप जंगल एरिया आइएगा तो आपको ये मिलेगा। ले पकड़, 10 रुपए में 6 पीस देता है। दे साइडो। क्या से बनता है जी? आटा से, आटा और सूजी ना। गाइस आप देखिए, इतना बेहतरीन जगह मैं आपको लेके आया हूँ ना। कैमरा घुमा, कैमरा घुमा, देखिए देखिए क्या जी, क्या सीन है यार। चलो, ये एरिया उतना फेमस नहीं है इसीलिए इतना लोग को मालूम नहीं है। ये डेमुल वाटरफॉल जो हम लोग, देखिए ये जो रास्ता दिख रहा है थोड़ा सा और आगे है, हम लोग डेमुल वाटर पहुंचने वाले हैं। डेमुल वाटरफॉल है यहाँ पर। आप सीनरी देखिए, देखिए चारों तरफ कैमरा घुमा, देख इतना गजब का सीन है ना वहाँ। मतलब आप एक बार आइए राजापुर में, डेमुल वाटरफॉल है, आप देखिएगा तो बोलिएगा, इतना गजब का सीन है। चारों तरफ जंगल है और आप देखिए उधर से कितना पहाड़ है, बहुत ही गजब है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पूरा डेमुल वाटरफॉल पहुंच के दिखाता हूं आपको, क्या मस्त सीन है। और ये आगे का जो रास्ता गया है ये पूरा गया हुआ है, हमें जो है डेमुल वाटरफॉल पहुंचाएगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग जो है डेमुल वाटरफॉल पहुंच चुके हैं। और यहां से जो है क्या है, रास्ता बहुत कच्चा रास्ता, छोटा रास्ता है, तो यहां से गाड़ी नहीं जा सकता, तो गाड़ी हम लोग इधर ही रख दिए है और हम लोग चल रहे हैं आगे। वैसे ये बहुत ही हिल टॉप पे है और पूरा जंगल के बीच में है। तो अगर आप लोग कोई भी आइएगा तो देखिएगा कि 3-4 जन साथ में आए, अकेले ना आए। और दूसरी बात कि यहाँ पर कहीं पर कुछ दिया नहीं हुआ है लैंडमार्क इस तरह का, और कहीं पर बोर्ड वोर्ड भी लगा नहीं है, तो आपको खोजने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी। लेकिन पूछ पूछ के आइएगा गाँव के आदमी लोग, गाँव का आदमी लोग आपको बता देगा। थोड़ा सा कच्चा रोड बहुत ज़्यादा है और रोड उतना अच्छा नहीं है, और आप देख सकते हैं, देखिए हम जो रोड में हम लोग जा रहे हैं, ये रोड पूरा कच्चा रोड है और गाड़ी का आने लायक भी रास्ता है ही है, लेकिन रोड जो है वो बना नहीं है और जंगल का भीतर से आना पड़ेगा आपको। और ज़्यादातर क्या है कि नहीं भी तो आपको 8 से 10 किलोमीटर जंगल ही मिलेगा, बीच बीच में आपको गांव मिलेगा, लेकिन 8 से 10 किलोमीटर जो है वो जंगल है, दोनों तरफ पूरा जंगल है, बीच से आपको आना है। तो डरना नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी अकेले ना आए, आइएगा तो साथ में 3-4 जन दोस्तों सब आइएगा, अकेले आने से दिक्कत। तो अभी हम लोग क्या है, गाड़ी वहीं खड़ा कर दी है और चल के जा रहे हैं आगे तक, क्योंकि यहाँ से तो जाने का रास्ता सिर्फ चलने के ही है, बहुत छोटा सा रास्ता है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ, देखिए पूरा जंगल ही जंगल है, ये चारों तरफ आपको देखिए जंगल दिखेगा, ये पूरा जंगल का बीच में है। तो चलिए, हम लोग भी तो देखे नहीं है, हम लोग भी देखते हैं कहाँ तक है। ये इधर आप छोटा सा तालाब देख सकते हैं मेरा पीछे, ये देखिए छोटा सा तालाब है, और सामने देखिए उधर विलेज सब है, गांव सब है, जहाँ पर आदमी लोग है। कौन सा रास्ता, यही है ना, बोला तो यही है ना। वैसे यहाँ पर देखिए आपको एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा, कोई भी नहीं है, तो पता नहीं यार। वैसे खेती होती यहाँ तो होती रहती है, और हम लोग शायद वो पहाड़ देखिए आपको दिख रही होगी चोटी वाली, वो पहाड़ तक हम लोग को जाना है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस फाइनली लग रहा हम लोग पहुंच गए हैं, देखते हैं ये रास्ता दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन अभी और हमें अंदर जाना है। लग रहा तो है पहुंच गए बोल के, क्योंकि देखिए अब ये पानी जो है उधर से उतर रहा है, और उतर रहा है मतलब आगे जो है वाटरफॉल उस तरफ है। तो चलिए हम लोग उधर पहुंचते हैं। हालांकि रास्ता बहुत ख़राब था यहाँ पर आने का, और रास्ता बहुत ही कच्चा रोड है भाई, रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है, देख लीजिए आप, ये पूरा जंगल है, और जंगल मतलब पहाड़ों का बीच में, पूरा पहाड़ों का बीच में है, देख लीजिए
ये रहा हम लोग झरना का तरफ पहुंच चुके हैं, और वो देखिए आ रहा है राजा। एज यूजुअल हर वीडियो में मेरे साथ रहता है, तो आज भी साथ में आए हुए हैं। और हालांकि बहुत खतरनाक है यार, मतलब आप अकेले आओगे तो बहुत डर लगेगा, क्योंकि देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा जंगल है, ये पूरा जंगल का बीच में है, और एक आदमी भी नहीं दिख रहा है आपको। देखिए अगर कोई एक आदमी दिखता हो, अभी जंगल आपको ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा जंगल है, ये चारों तरफ जंगल है, और बीच में ये देखिए ये झरना बह रहा है। चलिए हम झरना तक चलते हैं। अगर आप लोग कभी प्लान कर रहे हैं आने के लिए, तो कोशिश कीजिए अकेले ना आए, चार पांच बंदे लेके आए, ताकि आपको डर और ना लगे। और यहाँ पर जैसे पिकनिक उकनिक बनाते हैं लोग, देखिए आके अपना पार्टी शार्टी यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ चूल्हा, देखिए चूल्हा बना हुआ है यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए, और ग्लास फ्लास बहुत सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। हालांकि मुझे एरिया देख के तो वैसा डर वाला कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि हम तो बाकी हुए सब जगह से। लेकिन आप देख सकते क्या खतरनाक लोग है यार, मतलब आप जितना दूर तक आप देख सकते हैं आपको जंगल ही दिखेगा और कुछ नहीं है। अब इस तरफ देखिए ये पूरा जंगल है, ये पानी बह रहा है आगे से। तो चलिए मैं आपको पूरा झरना तक पहुंचाता हूं, आजा। और पूरा पत्थर है बड़े बड़े, ये है वाटरफॉल, और एक गुफा है देखिए वहां पर जहां से पानी निकल रहा है। तो कोशिश करते हैं आपको पूरा आगे तक दिखाने का। ये देखिए वो आपको देखिए दूसरा पार्ट जो दिख रहा है ऊपर, और कोशिश करेंगे आपको वहां तक दिखाने का, और जो गुफा है पूरा वहां तक आपको लेके जाने का। और फिलहाल तो चलिए, सो गाइस फाइनली देखिए हम आपको यहीं से दिखा रहे हैं, उधर जाने का कोई और रास्ता है नहीं। आप देख सकते हैं मैं झूम करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वो गुफा है, और पानी जो है वहां से निकलता है उस साइड तरफ से। तो आप देख सकते हैं गुफा, और ये ऊपर का साइड है, और नीचे पे हम लोग है, और ये देख लीजिए ये झरना है। और आपको यहाँ से उतना क्लियर नहीं दिखता होगा, आप देखिए ये जो है पानी है ऊपर से आ रहा है, ये आपको चारों तरफ से पहाड़ घेरा हुआ है, देख लीजिए ये चारों तरफ से जो है पहाड़ के बीचों बीच है। तो चलिए दोस्तों पानी देखते हैं पानी कैसा है। तो पानी तो बहुत ठंडा है, और ज़्यादा यहाँ पर वैसे गड्ढा उड्ढा है नहीं, लेकिन फिर भी जिसको तैरना नहीं आता वो आके जबरदस्ती पानी में ना कूद जाए, नहीं तो घाटा आप ही का होगा, नुकसान आप ही का होगा। और देख सकते हैं ये वाटरफॉल, और देखिए वो बंदा बैठा हुआ जिसको तैरने नहीं आता है, इसीलिए आ रहा नहीं है पानी पे, और मैं आ चुका हूँ पानी में। और ये रहा आपका झरना जहाँ से पानी गिर रहा है, और पानी जो आ रहा है वो देखिए आगे जो ऊपर है वो गुफा है, वहाँ से पानी आता है। मैं सोच रहा था आपको वहाँ पर लेने का, लेकिन लेने ही ले सकता क्योंकि जाने का कोई रास्ता है नहीं, और मेरा मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, कैमरा वमरा भी नहीं कि वाटर प्रूफ नहीं है, पानी उनी में गिर गया तो अपना नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बारिश भी चालू हो गया है, तो चलिए फटाफट मैं नहा लेता हूँ, और क्या फिर सब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और बारिश भी चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं पूरा बारिश हो रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, तो अगर आपको आना होगा और डेमूल वाटरफॉल, तो मैं आपको पूरा वीडियो में डाल दूंगा। और जब भी आइएगा अकेले मत आइएगा, साथ में आइएगा दो तीन जन, और भी लड़के लोग देखिए गाँव का लड़का लोग आया हुआ है, और कोशिश कीजिएगा पानी में ज़्यादा नहीं जाने के लिए, और अगर आपको तैरने वरने नहीं आता है तो पानी में जाइए तो डूब जाइएगा, और ज़्यादा गड्ढा तो है नहीं फिर भी। तो दोस्तों और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें सपोर्ट कीजिएगा। बाय।